नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है, इस प्रश्न में हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है। माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, हमने रेलगाड़ी की लंबाई मान ली है x मीटर। पुल की लंबाई ये दी गई है, पुल की लंबाई है 250 मीटर। चाल हमको दी गई है, चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, काटेंगे 18 से, 3 बार जाएगा, 3×5=15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड चाल है और समय दिया गया है। समय क्या है, समय है 30 सेकंड। ठीक है, हमने चारों जो चीज़ें हैं उनको नोट कर ली। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी, क्या क्या लगा देंगे, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। अब यहाँ पर दूरी कौन सी होगी, दूरी होगी रेलगाड़ी और पुल दोनों की लंबाई दूरी का काम करेगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई है x और पुल की लंबाई है 250, समय है 30 सेकंड और चाल है 15 मीटर पर सेकंड। गुणा करेंगे 15×45, x प्लस 250 बराबर हो जाएगा 450, उसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर 450 माइनस 250, तो x बराबर 200 मीटर। और x हमने किसको माना था, x माना था रेलगाड़ी की लंबाई को, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई हो गई है 200 मीटर। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।